सो हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में और साथ ही साथ हम अल्फा बीटा एंड गामा रेस के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में चाहे अल्फा रे हो, बीटा रे हो या फिर गामा रे हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखने के लिए दिया जाता है। तो इसीलिए आज हम लोग रेडियो एक्टिविटी से जुड़े जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे उन सभी को देखने वाले हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी वाला पूरा जो कंसेप्ट है यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो हम आ चुके हैं आज आपके साथ रेडियो एक्टिविटी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे साथ वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये रेडियो एक्टिविटी क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी जब जो है किसी भी तत्व की अल्फा बीटा एंड गामा रेस एमिटेड होती है तो जो है उसको हम रेडियो एक्टिव कहते हैं और उसी घटना को हम रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि एलिमेंट फ्रॉम विच अल्फा बीटा एंड गामा रेस एमिटेड कॉल्ड रेडियो एक्टिव एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये है डेफिनेशन रेडियो एक्टिविटी का। अगर आप लिखना चाहो तो मैं लिखना जरूर चाहूँगा। ठीक है, आप जो है इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हो। एलिमेंट एलिमेंट फ्रॉम व्हिच अल्फा बीटा एंड गामा रेज आर एमिटेड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव। And this phenomena is called radioactivity. And this phenomena या फिर event, and this event is called radioactivity. Called radioactivity. ठीक है, तो ये definition है। एलिमेंट फ्रॉम विच अल्फा बीटा एंड गामा रेज आर इमिटेड इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव एंड दिस फिनोमेना या फिर दिस इवेंट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो हमने जान लिया कि रेडियो एक्टिविटी से कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हमने रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो बेक्वेरल साहब ने, हेनरी बेक्वेरल साहब ने की थी। हेनरी बेक्वेरल जो है इन्वेंटेड रेडियो एक्टिविटी इन 1896। ठीक है, 1896 में इसने जो है रेडियो एक्टिविटी किरणों की खोज की थी। उसने एक बार जो है सबसे पहली जो है एक बार एक्सपेरिमेंट के दौरान एक ड्रॉवर था, तो उस ड्रॉवर में जो है पहले से जो है जो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम पोटेशियम तो इस तरह के जो है क्रिस्टल्स वहां पर रखे हुए थे। तो उसी ड्रॉवर में जो है फोटोग्राफिक प्लेट जो है उन्होंने रख दी। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट को निकाला तो देखा गया कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो इफेक्टेड हो चुकी थी। ठीक है, तो उसने देखा कि फोटोग्राफिक प्लेट जो है इफेक्टेड हो चुकी थी, तो उसका रीजन उसने जब फाउंड किया तो उन्होंने पाया कि यूरेनियम क्रिस्टल्स से निकली हुई जो इमिटेड इनविजिबल रेज हैं, ठीक है, जो उत्सर्जित जो है इनविजिबल रेज हैं, उनके कारण ही फोटोग्राफिक प्लेट जो है इफेक्टेड हुई थी। तो वही ये देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है, ये जो है हमारा कोई एक रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है। क्या है ये एक रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है। रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है, तो ये रेडियो एक्टिविटी मटेरियल है। यहां पर हमने नेगेटिव पोल रखा हुआ है, नेगेटिव प्लेट, और ये पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो जब यहाँ से किरणें निकलती है तो किरणें निकलने के बाद, यानी कि जब किरणें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है, तो कुछ किरणें जो है नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है और कुछ पोल
पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है और कुछ किरणें जो है बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है। लेकिन ये तीनों रेज क्या करती है कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है हमारा इसको अफेक्टेड करती है। ठीक है, ये क्या है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है हमारा, ठीक है, ये फोटोग्राफिक प्लेट है। तो मैंने क्या कहा कि यहां पर जो है हमने कुछ रेडियोएक्टिव मटेरियल रखा हुआ है, तो इनसे जब किरणें निकलती है, निकलने के बाद फोटोग्राफिक प्लेट की ओर जाती है, तो ये तीनों किरणें जो है, ये तीनों पार्टिकल्स जो है क्या करती है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये इस प्लेट को जो है अफेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो जो किरणें इधर नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, और आपको पता होगा कि बेंजामिन लॉ के अनुसार कहा जाता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यानी कि ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो जो है, और ये जो किरण है ये हमारा अल्फा रे है। कौन सा रे है, ये अल्फा रे है। तो इसलिए कहा जाता है कि व्हेन दिस रेज पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस रेज आर अट्रैक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट, सो दिस रेज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये अल्फा रे का एक डेफिनेशन है। ठीक है, कि जब ये किरण मैग्नेटिक यानी कि चुंबक की और विद्युतीय क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो ये जो है नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होती है, जिसके कारण कहा जाता है कि ये जो है अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव जो है चार्ज से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए ये जो है बीटा रे है हमारा, तो इसलिए कहा जाता है कि बीटा रे जो है वो नेगेटिव जो है चार्ज से बना हुआ है। और इसका भी डेफिनेशन वही होगा कि दिस रेज पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस रेज आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट, सो दिस रेज आर मेड अप ऑफ जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। और ये जो स्ट्रेट हमारे जो किरणें निकल रही है ये गामा रे है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ना ही प्लस चार्ज है, ना ही जो है माइनस चार्ज है, ये अनचार्ज्ड है। ठीक है, तो हमने इस फिगर को समझ लिया कि ये जो है कोई रेडियोएक्टिविटी मटेरियल है, यहां से किरणें निकल रही है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर जब गुजरती है तो कुछ किरणें जो है नेगेटिव पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है और कुछ किरणें जो है नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है। तो जो नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है और वो अल्फा पार्टिकल है। उसके बाद कुछ जो है पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है और तो वो बीटा पार्टिकल है और इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है। और जो स्टेट है वो गामा है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली ये तीनों रेज जो है, ये तीनों पार्टिकल्स क्या करती है कि ये फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करती है। ठीक है, तो ये तो हमने डेफिनेशन रेडियोएक्टिविटी का देख लिया, इस फिगर को हमने समझ लिया। अब यहां पर देखिए इसमें कुछ चीजें और भी जरूरी है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीन पार्टिकल्स है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें जो है यहां पे आप रेज लिख देंगे, रेज चार्ज मास, चार्ज और ये मास, तो इनका जो चार्ज होता है वो प्लस टू यूनिट होता है, फोर यूनिट। ठीक है, प्लस टू यूनिट, फोर यूनिट, इसका माइनस वन, इसका जीरो, और इसका भी जीरो, और इसका भी जीरो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, इसको आप जरूर उतार लेंगे। ये अल्फा रे है, इसका जो चार्ज है वो प्लस टू यूनिट होता है, इसका मास है फोर यूनिट, बीटा रे का जो है माइनस वन यूनिट और इसका जीरो, और गामा रे इसका जो है चार्ज भी जीरो और मास भी जीरो। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम देखने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टीज, आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने जैसे ही डेफिनेशन जाना, इस चीज को, इस फिगर को हमने समझा, तो काफी सारे प्रॉपर्टीज जो है हमने ऑटोमेटिकली समझ लिया होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अभी। तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अल्फा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स।
प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब प्रॉपर्टीज क्या होगी अल्फा पार्टिकल्स की? सबसे पहला तो ये कि दिस इज व्हेन दिस रे, ठीक है, जब व्हेन दिस रे पास थ्रू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दे अट्रैक्ट, दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द, टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल, नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव पोल आप कह सकते हो, नेगेटिव पोल, ठीक है, नेगेटिव पोल। सो दिस रेज, सो दिस रेज आर मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया कि अल्फा रे जो है जब मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है तो ये जो है नेगेटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, इसीलिए ये जो रे है ये पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है। दूसरी प्रॉपर्टी तो ये होगी, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी, दिस रेज affected affected the photographic plate, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है ये अल्फा रे में भी होगा, बीटा रे में भी होगा और गामा रे में, यानी कि ये प्रॉपर्टी कॉमन है आपका, दिस रे इज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी कि ये तीनों किरणें जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करती है, तो इसीलिए अल्फा बीटा एंड गामा रेज तीनों की प्रॉपर्टी ये होगी, ठीक है। दिस रे इज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, तीनों पार्टिकल्स जो है फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्टेड करती है। तीसरा ये कि दियर पेनिट्रेशन पावर, दियर पेनिट्रेशन पावर Their penetration power will depend on their velocity, ठीक है, power, their penetration power will depend on, will depend on their velocity, इसकी जो penetration power है वो इनकी velocity पर depend करेगी, ये तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं कि इसका जो चार्ज है वो प्लस टू यूनिट होता है, ठीक है, आप लिख सकते हैं दिस रेज है प्लस टू यूनिट चार्ज, प्लस टू यूनिट चार्ज एंड फोर यूनिट मास, फोर यूनिट मास, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है अल्फा रे के कुल चार प्रॉपर्टीज को अब तक देखा है, ठीक है। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हमने जो है अल्फा रे के चार प्रॉपर्टीज देख ली है, और आपको ज्यादा प्रॉपर्टीज लिखने के लिए नहीं दिया जाता है। और हाँ, ये जो पहला लाइन मैंने लिखा हुआ है, अगर इसका आपको शॉर्ट प्रॉपर्टीज बनाना है तो आप जो है सिंपल बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पांचवा बना देता हूँ, ठीक है। आप सीधे लिख सकते हो कि दिस रेज
दिस रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल्स, या फिर आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, है ना, पॉजिटिवली पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स तो इस तरह से हमने जो है कि पांच प्रॉपर्टीज हमने लिख डाली, ठीक है। दिस रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। चलिए तो इस तरह से हमने जो है अल्फा रे की जो है पांच प्रॉपर्टी देख ली। सबसे पहला तो ये कि व्हेन दिस रेज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे अट्रैक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव पोल, ठीक है। सो दिस रेज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। दूसरा हमने देखा कि देयर पेनिट्रेशन पावर विल डिपेंड ऑन देयर वेलोसिटी, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो इनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद दिस रेज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, ये सिर्फ अल्फा रेज की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि तीनों रेज की प्रॉपर्टी होगी ये, यानी कि अल्फा पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी में आएगा ये, बीटा रेज की प्रॉपर्टी में भी आएगा और गामा रेज की प्रॉपर्टी में भी आएगा, क्योंकि तीनों पार्टिकल्स जो है फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्टेड करती है। और अगला प्रॉपर्टी हमने देखा कि उसका जो मास है, उसका जो चार्ज है, चार्ज है 2 यूनिट और मास है 4 यूनिट, ठीक है। उसके बाद जो है हमने देखा कि दिस रेज मेड अप ऑफ जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो इस तरह से हमने जो है अल्फा रेज की प्रॉपर्टीज देखी है। अब हम देखेंगे बीटा जो है रेज की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसको मिटाएंगे, चलिए अब अगला है हमारे पास बीटा रे, बीटा पार्टिकल्स। अब हम देखेंगे बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। तो बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज तो पहला ये होगा कि व्हेन दिस रेज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड व्हेन दिस रेज पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल टूवर्ड द नेगेटिव पोल सो दिस रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है ना ये, ठीक है, ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टीज। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि देयर पेनिट्रेशन पावर इज हायर देन अल्फा पार्टिकल्स। ये जो है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये दिस रेज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट ठीक है, दिस रेज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट। चौथी प्रॉपर्टीज ये हो जाएगा इसका कि दिस रेज हैव
विसरेज हैव माइनस वन यूनिट चार्ज एंड जीरो यूनिट मास, ठीक है आप लिख सकते हैं एंड जीरो यूनिट मास, तो ये है बीटा रेस बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला कि व्हेन दिस रेज पास थ्रू द जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर इमेज पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये किरणें हैं, ये पार्टिकल्स है, तो ये निकलकर जो है ये पॉजिटिव पोल है, पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट होती है, इसलिए कहा गया कि बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कहा जाता है कि व्हेन दिस रे पास थ्रू द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव पोल, सो दिस रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है वही बात हमने लिखा। दूसरे देखिए, देयर पेनिट्रेशन पावर इज हायर देन अल्फा पार्टिकल्स। वहां पर हमने देखा क्या कि अल्फा पार्टिकल्स की जो पेनिट्रेशन पावर है वो उनकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, लेकिन जितना उसका जो पेनिट्रेशन पावर होगा अल्फा पार्टिकल्स का, उससे भी ज्यादा जो है अब बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर होगी। उसके बाद दिस रेज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, दिस रेज हैव माइनस वन यूनिट चार्ज एंड जो है जीरो यूनिट मास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला, यानी कि गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा नंबर वन में गामा पार्टिकल्स की, गामा पार्टिकल्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी आप बताइए हमें। तो गामा प्रॉपर्टी जो है यही होगा कि व्हेन दिस रेज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मैग्नेटिक फील्ड दे आर गोइंग स्ट्रेट, ठीक है They rise straight. So this rays, these rays are uncharged. ये पहली प्रॉपर्टी, यानी कि जब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से होकर गुजरती है तो ये स्ट्रेट यानी कि ऊपर जो है स्ट्रेट मतलब सीधा खड़ा हो जाता है, सीधा ऊपर की ओर उठता है, और इसीलिए जो है ये अनचार्ज्ड है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये दिस रेज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो तीनों पार्टिकल्स में होगा, मैंने आपको पहले भी कहा। अब तीसरी प्रॉपर्टीज ये होगा कि this rays are same as x rays,
ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं गामा रेस की, यही तीनों फिलहाल बहुत जो है ज्यादा यूज होता है कि व्हेन दिस रेज पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे राइज स्ट्रेट, सो दिस रेज आर अनचार्ज, दिस रेज अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट, दिस रेज आर सेम एक्स रेज, यानी कि ये जो है बिल्कुल एक्स रेज के समान होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है रेडियोएक्टिविटी के अंदर जो भी हमारा जो कंसेप्ट था, जो भी आपसे पूछा जा सकता है, उन चीजों के बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने रेडियोएक्टिविटी को डिफाइन किया कि आखिर रेडियोएक्टिविटी क्या है। तो हमने कहा कि एलिमेंट फ्रॉम विच अल्फा बीटा एंड गामा जो है रेज इमिटेड इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। और हैंडल जो है हेनरी बेकवेरल साहब ने 1896 में रेडियोएक्टिविटी किरणों की खोज की। उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान यूरेनियम क्रिस्टल्स एंड सल्फेट जो है एक ब्लैक पेपर में रखा हुआ था, उसी ड्रॉवर में, तो उसी ड्रॉवर में उसने फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया। तो रखने के बाद कुछ दिनों बाद जब उसे निकाल कर देखा, या फिर अगले दिन ही उसने देखा, तो देखा कि वो जो फोटोग्राफिक प्लेट था वो अफेक्टेड हो चुकी थी। तो इसका रीज़न उसने पता किया, तो उसने पाया कि यूरेनियम क्रिस्टल से निकली हुई इनविजिबल किरणें जो है के कारण जो है फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्टेड हुई है। और यही सेम प्रयोग फिर उसने जो है यूरेनियम के साथ की जो है यूरेनियम क्रिस्टल के साथ करके देखा, तो सेम पाया गया और उस किरणों का नाम जो है रख दिया गया रेडियो एक्टिविटी रेज, बेकवेरल रेज। ठीक है, बेकवेरल रेज भी कहते हैं और रेडियो एक्टिविटी रेज भी कहते हैं। तो ये कुछ रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट को हमने इस तरह से क्लियर किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो था ये कि इनकी प्रॉपर्टीज कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है आखिर अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। आप बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम में अब इन प्रॉपर्टीज को लिख पाओगे, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों। हमने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही जो है मीडियम में समझाने की पूरी कोशिश की है। चलिए आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।